तो जिस तरह से नए टोल प्लाजा को लेकर विरोध जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, और उसी के साथ साथ आज हड़ताल का भी दूसरा दिन है। यानी अगर बस यूनियन की बात कर ले तो आज उन्होंने दूसरे दिन भी अपनी हड़ताल जो है वो जारी रखी है, और टोल प्लाजा को लेकर विरोध जो है वो उनकी तरफ से जताया जा रहा है। उनकी जो मांगे हैं वो भी एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह उन्होंने कहा कि ये टोल प्लाजा का जो रेट है उसे एक बार फिर से रिव्यू किया जाए, अगर टोल आपने लेना है तो थोड़ा रेट जो है उसका कम किया जाए, वरना इस टोल प्लाजा को बंद कर दिया जाए। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि हमें आगे ही इतने टैक्सेस जो है वो पे करने पड़ रहे हैं, और ऊपर से ये एक और नया जो टोल उनके ऊपर थोपा जा रहा है ये कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से वहां पर ट्रैफिक मैस जो है वो लगातार देखा जा रहा है और इतनी कंजेशन है वहां पर कि अगर कोई एमरजेंसी सर्विस है उनकी बात करें तो वहां पर उनको भी काफी मुशक्कत वहां पर करनी पड़ रही है। लेकिन पैंथर्स पार्टी की बात करें तो पैंथर्स पार्टी भी लगातार सड़कों पर है और टोल प्लाजा को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन कर रही है, और आज सांबा में भी पैंथर्स पार्टी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया इस टोल प्लाजा को लेके। क्या कहना है, मेरे साथ मौजूद है हर्षदेव सिंह जी और उसी के साथ साथ यशपाल कुंडल जी, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या कहना चाहते हैं। ये एक जो नया विवाद खड़ा हुआ है, यानी एक नया टोल प्लाजा जम्मू खित्ते के ऊपर थोपा गया है, सर आपसे जानना चाहूंगा, एक नया टोल प्लाजा जो सरोर में खुला है, एक नया विवाद बनकर उभर कर सामने आया है, लगातार विरोध की जो आवाज है वो और ऊपर उठ रही है, क्या कहना चाहते हैं? क्या लगता है कि वाकई में जिस तरह से जम्मू से डिस्क्रिमिनेशन पहले लगातार किया जा रहा है, ये भी उसी कड़ी में इसे देखा जा रहा है? देखिए, डिस्क्रिमिनेशन की वही कड़ी है और उससे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हो रहा है। ऐसा भेदभाव पहले हमने देखने को नहीं मिला। आपने देखा होगा कि पिछले 4-5 वर्षों में जब बीजेपी यहाँ पावर में रही, किस तरीके से यहाँ के युवाओं की अनदेखी होती रही, और अक्सर जो है पढ़े लिखे युवा जो है वो सड़कों के ऊपर बैठे हुए देखने को मिले। बहुत सारी ऐसी सिलेक्शन लिस्ट निकली जिसमें 4-5% तक युवाओं की जो है जम्मू का शेयर महदूद होके रह गया, और मेजर शेयर, लायंस शेयर जो है वो कश्मीर को जाता रहा, डेवलपमेंट का वहाँ जाता रहा। एम्स का जब यहाँ प्रोजेक्ट आया तो ये कह दिया गया कि वो भी कश्मीर के लिए आया है, और जम्मू के लोगों को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी। इससे पहले भी जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई थी तब भी जम्मू के लोगों को सड़कों के ऊपर उतरना पड़ा। हमें छोटी छोटी चीज़ के लिए सड़कों के ऊपर उतरना पड़ता है, और ख़ासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में इस किस्म की उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा विश्वासघात भारतीय जनता पार्टी करेगी। लोगों के जज्बात के साथ एक खिलवाड़ होगा, जैसे आपने अभी कहा कि टोल प्लाजा जैसे खोल दिया गया है। कश्मीर के अंदर आप देखें तो एक ही टोल प्लाजा है, और जम्मू में आपने जगह जगह टोल प्लाजा जो खोल दिए हैं, और कुछ एक आप खोलने जा रहे हैं। हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा कि वो रिंग रोड के ऊपर भी एक टोल प्लाजा बनाएंगे, और राजबाग में एक टोल प्लाजा बनेगा। इसी तरीके से अखनूर में भी एक टोल प्लाजा जो है बनाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि लोगों को लूटने के लिए सिर्फ आपके पास जम्मू है, जम्मू से आप पैसा इकट्ठा करते हैं और उसको कश्मीर में खर्चा करते हैं। हम कश्मीर के खिलाफ नहीं हैं, हम ये कहते हैं कि आप कश्मीर को भी दीजिए, लेकिन जम्मू की जेब काट के अगर आप वो कश्मीर को देंगे तो यहाँ जो है एक लोगों में गुस्सा तो पैदा होगा, एक रोष तो पैदा होगा। वो एक अंग्रेजी की कहावत है, रॉबिंग पीटर एंड पेइंग पॉल, यानी हमारी जेब से निकालकर वहां आप डालते जाएंगे तो ये तो सरासर गलत होगा। और जम्मू के लोग जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत ही मैसिव मैंडेट दिया, एक ओवरवेलमिंग मैंडेट दिया, ऐसा आज तक उनको जो है वो कभी नहीं मिला होगा, और उसका सिला हमें ये दिया जा रहा है कि जम्मू जो मंदिरों का शहर कहा जाता था उसको आपने टोल प्लाजा का शहर आज की तारीख में बना दिया है। कितने यात्री यहाँ आते हैं, माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु आते हैं, और माता वैष्णो देवी का एक ऐसा स्थान है जिसकी आस्था इतनी है, पूरे देश के अंदर नहीं बल्कि विदेशों से जो है वो श्रद्धालु यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं। तो आप जब वो आएंगे तो आप जगह जगह उनको जो है वो टैक्स लगाएंगे, उनके ऊपर लगाएंगे, यहाँ के लोगों के ऊपर लगाएंगे। खास तौर पर जो कॉमन मैन है, जो मिडिल क्लास है, जो इकोनॉमिकली पुअर सेक्शंस हैं, लेबर क्लास है, जो छोटा दुकानदार है, जो विद्यार्थी है, उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत जो है इन टोल प्लाजास की वजह से होगी। एक तो उनको इसमें बहुत ज़्यादा टोल भरना पड़ेगा, और दूसरी बहुत ज़्यादा असुविधा भी जो है उनकी है, क्योंकि जब यहाँ देखा गया कि जब टोल प्लाजा शुरू हुआ तो बहुत कम वहाँ पर जगह है, और उस कंजेस्टेड जगह के ऊपर जब इतनी गाड़ियां हाईवे के ऊपर चल रही हैं
तो कई कई किलोमीटर लंबा जो है वो जाम देखने को मिला। और आपने ठीक फरमाया कि इमरजेंसी सर्विसेज के लिए भी कोई प्रावधान जो है वो नहीं रखा गया है। एम्बुलेंसेज लोगों ने रास्ते में बीच में फंसी हुई देखी और कितनी असुविधा, कितनी इनकन्वीनियंस, कितनी दिक्कत जो है उन पेशेंट्स को हुई होगी। और भगवान जाने और क्या क्या हुआ होगा जब आप पेशेंट को जो है वक्त पे आप मेडिकल एड जो है वो मुहैया नहीं करवा पाए। इस किस्म के जो फैसले जो आप ले रहे हैं ये सरासर गलत है। जब अपोजिशन में भारतीय जनता पार्टी थी तो इनका ही एक नेता थे जिन्होंने सरोवर में बहुत बड़ा उस वक्त हंगामा किया कि जनाब ये टोल प्लाजा बन ही नहीं सकता है। और जब आप सरकार में आए तो आप खुद खड़े होके वहाँ रिबन कटवा रहे हैं कि ये बहुत जरूरी है। उस वक्त आपने कहा था ये जाजिया है, उस वक्त आपको जाजिया लगा। तो अब आप जो जगह जगह लगा रहे हैं ये क्या है? हमने ये कहा ये तो केसरी जाजिया आप लगा रहे हैं सत्ता में आने के बाद, जिसको यहाँ के लोग जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और पैंथर्स पार्टी जो हमेशा जम्मू की लड़ाई लड़ती रही है, कोई भी मुद्दा आया होगा पैंथर्स पार्टी ने कभी जो है पीछे नहीं हटी है और इस मुद्दे के ऊपर भी पूरी पूरी लड़ाई लड़ेगी, यहाँ भी लड़ेगी, दिल्ली जाकर लड़ेगी। नितिन गडकरी का घेराव जो है दिल्ली में जाकर जरूरत पड़ी तो वहां करेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन लोगों की जो भावनाओं के साथ एक भद्दा मजाक किया जा रहा है, एक लूट खसूट जो है की जा रही है, इसको हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। आपने जिस तरह से कहा कि कश्मीर में मात्र सिर्फ एक टोल प्लाजा है और लेकिन जम्मू खित्ते की बात करें तो ये तीन टोल प्लाजा जो है यहाँ पर बन चुके हैं, एक और बनने जा रहा है ये भी सुनने में आ रहा है कि जम्मू पुंछ हाईवे पर एक और टोल प्लाजा बनने जा रहा है। क्या लगता है कि वाकई में अब टोल प्लाजा ही जो है वो थोपे जाएंगे और इस तरह से वसूली की जाएगी? देखिए वही लग रहा है कि लोगों से जो एक पैसा जो जिस तरीके से उनकी जेब से जेब काटने वाली बात है, जिसे एक्सटॉर्शन कहा जाता है, जबरदस्ती की एक लूट जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। और लोगों की भावनाओं की आपको कोई कदर ही नहीं है। जैसे आपने कहा भी है, जिक्र भी किया है, ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि आपने इतना बड़ा टोल जो फिक्स कर दिया है और वो तो एक बहुत बड़ा बोझ होगा, ना केवल ट्रांसपोर्टर्स के लिए दिक्कत है बल्कि जो लोग कम्यूट करेंगे, जो कम्यूटर्स होंगे, जो पैसेंजर्स होंगे, उनको भी बहुत सारा इसका हिस्सा जो है वो पास ऑन कर दिया जाएगा और उनकी जेबों के ऊपर भी असर पड़ेगा। और दूसरी बात मैं ये समझता हूँ कि ये एक बार टोल प्लाजा खोल लेते हैं ना, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा हिसाब है कि एक बार पांव हमें रखने की जगह दे दीजिए फिर हम कब्जा खुद ब खुद कर लेंगे। बन में भी इन्होंने जब टोल बनाया तो कम रेट था, उसके बाद बढ़ाते गए, आज 200 रुपया छोटी गाड़ी का आपने जो है वो रख दिया है कि आपको आना और जाना है तो आप टू एंड फ्रो का 200 रुपीज देंगे। इतनी बड़ी लूट, इतने बड़े पैमाने के ऊपर आप एक्सटॉर्शन ये कर रहे हैं और आज भारतीय जनता पार्टी खामोश बैठी हुई है। वहां मैंने देखा कि एक उनके नेता हैं जो कहते हैं हमने चिट्ठी लिख दी है जी। अरे आपकी आपने जितनी चिट्ठियां आज से पहले लिखी हैं उन चिट्ठियों का क्या हुआ? पहले उनका तो हिसाब दीजिए। हमने देखा है कि कोई भी मसला होता है आप कहते हैं हमने चिट्ठी लिख दी है, कभी कहते हैं गवर्नर को लिखी है, कभी मुख्यमंत्री को, कभी प्रधानमंत्री को। आपकी चिट्ठी का जवाब तो आज तक आते हुए हमने कभी देखा नहीं। डॉक्टर निर्मल सिंह जी को जब ये कहा गया था कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी क्यों नहीं है, उन्होंने कहा था मैंने एक चिट्ठी चीफ मिनिस्टर को लिख दी है, एक प्रधानमंत्री को लिख दी है, एक राष्ट्रपति को लिख दी है, 4 साल हो गए, उन चिट्ठियों का क्या हुआ पहले वो तो बताइए। अब आप लोगों को जो है मिसलीड करने की जो कोशिश कर रहे हैं, गुमराह करने की जो कोशिश कर रहे हैं, लोग आपके झांसों में आने वाले अब नहीं हैं। आस्ता आस्ता आपका चेहरा, असली चेहरा जो है वो पहचान चुके हैं। आपके चेहरे से नकाब पूरे तरीके से पैंथर्स पार्टी उतारेगी। आप जो डर और खौफ की राजनीति यहां कर रहे हैं, मैंने ये भी देखा, लोग कहते हैं जनाब हम आवाज उठाते हैं जब टोल प्लाजा बंद होना चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं ये राष्ट्र विरोधी है, उसको कहते हैं ये पाकिस्तानी हो गया। तू बोलता है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। पैंथर्स पार्टी लीड लेगी और पूरे तरीके से बेनकाब करेगी भारतीय जनता पार्टी को। और जो उनकी पॉलिसीज हैं, आवाम विरोधी पॉलिसीज हैं, नौजवान विरोधी पॉलिसीज हैं, किसान विरोधी पॉलिसीज हैं, ट्रेडर्स विरोधी पॉलिसीज हैं, उनको पूरे तरीके से पर्दाफाश करेगी। आखिर में आपसे जानना चाहूंगा, पहले दिन से जब यहां पर अनाउंस किया गया था ये टोल प्लाजा, पैंथर्स पार्टी ने प्रदर्शन किए लेकिन अब बन गया है, फिर दोबारा से प्रदर्शन किए जा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? ट्रांसपोर्टर्स की भी आज दूसरे दिन हड़ताल जो वो जारी है, कितना आम जनता जो वो भी सफर कर रही है और पैंथर्स पार्टी का अगला स्टैंड क्या होगा इसको लेकर? देखिए जब से शुरू में अनाउंसमेंट हुआ तो तभी भी पैंथर पार्टी ने सांबा में प्रदर्शन किया था,
और हम ये कहना चाहेंगे कि जम्मू के डोगरों के साथ जहां जहां भी बेइंसाफी होगी तब तब पैंथर पार्टी ने आवाज उठाई है और आवाज उठाते रहेंगे। आपने देखा होगा कि ये वही लोग हैं जब जो अपोजिशन में थे तो टोल प्लाजा का विरोध करते थे और ये कहते थे कि जजिया लगाया गया, लेकिन आज ये वही लोग हैं जो बिल्कुल साइलेंट हुए बैठे हैं और उनके साथ इनका रेवड़ काट रहे हैं। हम कहते हैं कि इनकी कथनी और करनी में बहुत ज्यादा अंतर है, वो जम्मू का डोगरा अब समझ चुका है। अब वो जानते हैं कि हमने 25 MLA दिए, आज आप देख लीजिए कि 2014 के बाद आज तक लोगों को MG नरेगा का पैसा नहीं मिल रहा है, लोगों को अपनी दिहाड़ी नहीं मिल रही है। आपने कहे आप जो बड़े बड़े लोगों कहते हैं हम रिक्रूटमेंट करेंगे, आप बता दीजिए 5 साल में कितनी रिक्रूटमेंट हुई। आपने जम्मू के लोगों को क्या दिया, जब आपका इलेक्शन था तो प्रधानमंत्री जी आते हैं सरकार का करोड़ों रुपए खर्च करके एम्स का उद्घाटन करते हैं, लेकिन आज जूही का तुही पड़ा हुआ है। आज जम्मू के लोग समझ चुके हैं कि जो भी जम्मू के लोगों को चीज मिलती है वो उनको संघर्ष से मिलती है, और पैंथर पार्टी का यही पैगाम है हक और इंसाफ। पैंथर पार्टी रोड से लेकर कोर्ट तक संघर्ष करेगी जब तक जम्मू के लोगों को उनका इंसाफ नहीं मिल जाता। आपने देखा होगा जब पैंथर पार्टी पावर में थी तो पैंथर पार्टी ने जगह जगह स्कूल दिए, गांव के ही नौजवान लगाए, जो सर्व सिलेक्शन बोर्ड का काम था वो गांव के लोगों ने किया, जो गांव की विलेज एजुकेशन कमेटी थी उन्होंने किया। और आज आप देख लीजिए जब पैंथर पार्टी सत्ता से बाहर है तो एक भी नौजवान है उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है। आज गांव के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, आज गांव के लोग ये समझते हैं कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है और लोगों को इतना दड़गाया धमकाया जा रहा है। जो कोई अपने हक की बात करते हैं तो उनके ऊपर FIR लाग किया जाता है, उनको एंटी नेशनलिस्ट क्या कहा जाता है। ये कहाँ की डेमोक्रेसी है? हिंदुस्तान वो डेमोक्रेसी थी जो वर्ल्ड में जिसको मान्यता प्राप्त थी, लेकिन आज जो इनको सजेस्ट करता है, जो इनको लेटर लिखता है, उनके खिलाफ एंटी नेशनल जो FIR दर्ज की जाती है, तो ये लंबे तेर तक चलने वाली नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं BJP को अभी भी होश में आ जाना चाहिए और जम्मू के लोगों का उनका अधिकार मिलना चाहिए। ये टोल प्लाजा जो है ये हम इसका विरोध करते हैं, विरोध करेंगे और विरोध करते रहेंगे जब तक ये बंद नहीं होगा। चलिए, तो साफ तौर पर कहना है पैंथर्स पार्टी का कि जब तक ये टोल प्लाजा यहाँ से हटाया नहीं जाएगा प्रदर्शन इनका लगातार चलता जाएगा। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अब जिस तरह से विरोध के स्वर जो है वो लगातार गूंज रहे हैं, और उसी के साथ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बात कर लें, बस यूनियन की बात कर लें, तो आज वो भी दूसरे दिन की हड़ताल पर हैं और वो इनडेफिनेट स्ट्राइक है। वो हड़ताल कब तक जारी रहेगी अभी इस पर कहना मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता जो है वो सफर हो रही है और इस नए टोल प्लाजा का विरोध लगातार किया जा रहा है, जो कि ये कहा जा रहा है कि अमाननीय तरीके से वहां पर रेट इतना ज्यादा लिया जा रहा है कि लोग जो है वो उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और जिस जगह ये बना हुआ है इतना वहां पर कंजेशन है कि ट्रैफिक जाम घंटों तक वहां पर रहता है, और अगर इमरजेंसी सर्विसेज की बात करें या एम्बुलेंस वहां पर कोई फंस जाती है तो सीधा सीधा जो पेशेंट उस गाड़ी में होगा उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ जो है वो किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब विरोध जो है वो लगातार किया जा रहा है। अब ये देखना होगा कि गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन या केंद्र सरकार इस पर आने वाले दिनों में किस तरह का फैसला लेती है। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि कजूरिया, JK मीडिया।